यह कहकर भगवान सूर्य चले गए और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया। वहां आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभूषित सरस्वती देवी ओमकार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गईं। तब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त शतपथ का संकलन किया। तत्पश्चात मेरे 100 शिष्यों ने मुझसे उसका अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्य देव के द्वारा उपदेश की हुई 15 शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा अनुसार वेद तत्व का चिंतन किया है। एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गंधर्व सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए। आकर उन्होंने मुझसे वेद विषयक कई प्रश्न किए। तब मैंने उनसे कहा, गंधर्वराज, समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें ही लीन हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद्य ज्ञेय परमात्मा को जो नहीं जानते, वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जिसे वेद वेद्य परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा वेद वेता होकर भी जिसने वेद अवेद का तत्व नहीं जाना, वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है। पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे बारंबार उसे जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती और वैदिक कर्म कांड में बताए हुए सभी कर्म नश्वर हैं। यह सोचकर नाशवान कर्मों को त्याग दे और अक्षय धर्म के सेवन में संलग्न हो जाए। जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है, वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर 26वें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य 25वें तत्व रूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न-भिन्न मानते हैं, किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक हैं। परम पद की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते। विश्वावसु ने कहा, विप्रवर, आपने 25वें तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है, किंतु जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं, इस विषय में संदेह है, अतः आप इस बात का स्पष्ट वर्णन कीजिए। मैंने मुनिवर जैगी शव्य, असित, देवल, पराशर, वार्षगण्य, भृगु, पंचशिक, कपिल, शुक्र, गौतम, अरष्टिशेन, गर्ग, नारद, आसुरी, पुलस्त्य, सनत कुमार तथा अपने पिता कश्यप जी के मुख से भी पहले इस विषय का प्रतिपादन सुना था। उसके बाद रुद्र, विश्वरूप, अन्यान्य देवता, पितृ तथा दैत्यों से इसका ज्ञान प्राप्त किया। ये सब विद्वान ये तत्व को पूर्ण और नित्य बतलाते हैं। अब मैं इस विषय में आपके विचार सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ, शास्त्रों के वक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप ना जानते हों। वेदों के तो आप भंडार ही माने जाते हैं। देवलोक और पितृलोक में भी आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मलोक में गए हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। साक्षात भगवान सूर्य ने आपको वेद पढ़ाया है तथा आपने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप समस्त चराचर को जानकर पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं। इसलिए आपके ही मुख से मैं उस तत्व ज्ञान को सुनना चाहता हूँ।
तब मैंने कहा, गंधर्व श्रेष्ठ, तुम बड़े मेधावी हो। इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो। प्रकृति जड़ है, उसे 25वां तत्व जीवात्मा जानता है, किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती। सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं। साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से 24वें तत्व प्रकृति को, 25वें अपने को और 26वें परमात्मा को देखता है। किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तो वह देखता हुआ भी परमात्मा को नहीं देख पाता। किंतु परमात्मा सदा देखते रहते हैं। जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और प्रकृति मुझसे सर्वथा भिन्न है, तब वह उससे असंग होकर 26वें तत्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और जब उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। विश्वावसु ने कहा, याज्ञवल्क्य जी, आपने सब देवताओं के आदि कारण ब्रह्म के विषय में जो यथावत वर्णन किया है, वह सत्य, शिव, सुंदर तथा सबका कल्याण करने वाला है। आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञान में स्थित रहे, अच्छा आपका भला हो। अब मैं जाता हूँ। यों कहकर विश्वावसु ने सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखा और बड़े हर्ष से मेरा अभिनंदन किया। फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। राजा जनक ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में पृथ्वी पर तथा पाताल में रहकर जो लोक कल्याणमय मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए थे, उन सबको विश्वावसु ने मेरे बताए हुए इस ज्ञान का उपदेश किया था। सांख्य ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सांख्यवेता, योग धर्म का पालन करने वाले योगी तथा अन्य जो मोक्षाभिलाषी मनुष्य हैं, उन सबके लिए यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अज्ञान से नहीं। इसलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। जिसके लिए अपने को जन्म मृत्यु रूप बंधन से छुटकारा मिल सके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच योनि में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिल सके, तो प्राप्त करके मनुष्य उस पर सदा श्रद्धा रखे, क्योंकि श्रद्धालु में जन्म और मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं। ब्रह्म के ही मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अतः किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए। मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्मानुसार योनियों में जन्म लेते और मरते हैं। उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना प्रकार की प्राकृत योनियों में गिराता है। अतः सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्ण के लोग अपने-अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो जो ज्ञान में स्थिर होता है, उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। राजन, तुमने जो पूछा था उसका यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया है। अब तुम्हें शोक का परित्याग कर देना चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, जैसे बने इस ज्ञान में पारंगत बनो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सत्कार पूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा करके उनको विदा किया। जब मुनि चले गए, तो मोक्ष के ज्ञाता देवरात नंदन राजा जनक ने सुवर्ण सहित 1 करोड़ गौएं दान की तथा बहुत से ब्राह्मणों को एक-एक अंजलि रत्न प्रदान किया। तदनंतर मिथिला का राज्य पुत्र को सौंप दिया।
और स्वयं वे यति धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ। फिर धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सत्य असत्य तथा जन्म मृत्यु को प्राकृत समझकर केवल अपने शुद्ध स्वरूप को ही नित्य माना। राजन, सांख्य और योग के विद्वान अपने-अपने शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उस ब्रह्म को इष्ट अनिष्ट से मुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते हैं। अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। जो कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, जो देता है और जो ग्रहण करता है, वह सब एकमात्र आत्मा ही है, उसके सिवा और है ही क्या? सदा ऐसी ही मान्यता रखो, इसके विपरीत विचार मन में ना लाओ। जिसे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान न हो, सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान न हो, उस पुरुष को यज्ञों का अनुष्ठान और तीर्थों का सेवन करना चाहिए। स्वाध्याय, तप अथवा यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनके द्वारा परमात्मा को जानकर मनुष्य महिमान्वित होता है। महत्तत्व की उपासना करने वाले महत्तत्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं। किंतु महत्तत्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है जिसको प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है। जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं, वे ही प्रकृति से पर नित्य जन्म मरण से रहित मुक्त एवं सत सत स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, यह ज्ञान मुझे तो राजा जनक से मिला और राजा जनक को याज्ञवल्क्य जी से प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है, यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञान के सहारे इस दुर्गम भव सागर के पार हो जाते हैं, यज्ञ के द्वारा वे इसके पार नहीं जा सकते। अतः तुम प्रकृति से पर महत, पवित्र, कल्याणमय, निर्मल तथा मोक्ष स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यज्ञ की उपासना करने से तुम निश्चय ही तत्वज्ञानी ऋषि बन जाओगे। पूर्व काल में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को जिस उपनिषद का उपदेश दिया था, उसका मनन करने से मनुष्य सनातन, अविनाशी, शुभ, अमृतमय तथा शोक रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।